हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे और बीजेपी के साथ रह करके पिछड़ों दलितों की आवाज इनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब तो आपने देखा ही कि जब सरकार बनी तो सरकार बनते ही जेट प्लस की सुरक्षा हटा ली गई थी। 16 महीने लगातार भाई शिवपाल जी सुरक्षित थे, अमित शाह जी से मिले, योगी जी से मिले तो असुरक्षित हो गए। तब उनको मायावती जी का बंगला दे दिया गया। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी सरकार मेहरबान है। ताजमहल को लेकर बड़ा मुद्दा खड़े पर दबाव लगा गया है, जिस तरह से हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम की आवाज होती है, हम लोग इस समस्या पर करेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, 2019 का चुनाव आ रहा है, सब मुद्दे गरमाएंगे, चुनाव बीत जाएगा उसके बाद सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आपकी पार्टी किस लोकसभा चुनाव और दलितों को कितनी भागीदारी का काम देने जा रही है? हमारी पार्टी सबसे पहले 27% आरक्षण में तीन कैटेगरी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के 22.5% आरक्षण में दलित, अति दलित और महादलित, 2019 के पहले हम इसमें विभाजन करा करके हम इनके भी बेटे, हम प्रजापति के, पाल के, नाई के, कश्यप के, निषाद के, बिंद के, केवट के, मल्लाह के, चौहान के, गुप्ता के, चौरसिया के, जोल्हा के, दुनिया के, अंसारी के, इन जातियों के भी बेटा बेटी को हम थाने पर सिपाही लाना चाहते हैं, हम दरोगा लाना चाहते हैं, हम BDO लाना चाहते हैं, हम SDM लाना चाहते हैं, हमारा ये मकसद है। सर, मुद्दे को लेकर के जिस तरह देश में राजनीति कर रहा है, हजारों गरीब जब मंदिर में जाते हैं अयोध्या में, तब आप लोग उसको नहीं दिखाते हैं, ट्रैक्टर टाली पिकअप मैजिक पे लद के जब भगवान के दर्शन के लिए वो जाते हैं तब आप नहीं दिखाते हैं, जब कोई नेता जाता है तब उसकी चिंता आप करते हैं। ये क्या कारण है कि जब चुनाव आते हैं तभी मंदिर के मिस्त्री भी आ जाते हैं, राज में चर्चाएं होने लगती हैं, और भी एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो राजगीर मिस्त्री का काम करता हो, जो ईंटा ढोता हो, बढ़िया ढोता हो, बालू सीमेंट मिलाता हो, सुई से लेकर जहाज गरीब बनाता है। ये चुनाव के समय अलग अलग पार्टियों का अपना अपना इशू है, उस इशू को चुनाव के समय गरमा करके एक सिर्फ नशा है लोगों को कि इस बात को हम बताएंगे तो लोगों का वोट मिल जाएगा। वोट लेने का तरीका सब लोग अलग अलग अपना अपनाते हैं। देखिए, हमारी तो आस्था ये है कि संविधान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक फैसला वहाँ से कोई नहीं आ जाता है या दोनों पक्षों में जब तक रजामंदी नहीं हो जाती है तब तक हमारा कोई फैसला नहीं है।